हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, प्रूव करना है आपको 2 sin² π/6 प्लस cosec² 7π/6 इंटू cos² π/3 इज इक्वल्स टू 3/2। ये आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है। अब यहाँ पर देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमारे पास में ये पाई दिया हुआ है, यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है। तो ये जो पाई है वो क्या है, तो पाई जो है वो रेडियन है, ये पाई रेडियन है। तो पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो जहाँ पर भी पाई है हमारे पास में, वहाँ पर हम क्या करेंगे, 180 डिग्री पुट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, पहला काम। तो यहाँ पर देखिए प्रूफ करना मतलब LHS को आपको RHS के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। LHS में हमारे पास में ये दिया हुआ है और RHS में 3/2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, LHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग LHS हम लिख लेते हैं। LHS में क्या है, 2 sin² π/6 प्लस cosec² 7π/6 इंटू cos² π/3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई की जगह पे 180 डिग्री पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 sin² पाई की जगह पे 180 प्रूट करेंगे, तो 180 डिवाइड बाय 6। ऐसे ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 इंटू पाई था तो 7 इंटू 180 डिवाइड बाय 6, और यहाँ पर cos² π/3 था तो cos² 180 डिवाइड बाय 3। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 से हमारा रिड्यूस हो जाएगा ये 30 टाइम्स, और ये 6 से रिड्यूस हो जाएगा 30 टाइम्स, और ये 3 से रिड्यूस हो जाएगा 60 टाइम्स। तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 210, और बाकी ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 sin² 30 डिग्री आ जाएगा प्लस cosec² 7 इंटू 3 210 होता है, तो प्लस cosec² 210 डिग्री हो जाएगा, cos² 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर sin 30 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू, यहाँ पर आप देखिए sin 30 की वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है और cos 60 की वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है, लेकिन cosec 210 की वैल्यू हमारे पास में डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसकी प्रोसेसिंग करनी होगी। cosec 210 डिग्री की वैल्यू हमें क्या करनी होगी, निकालनी होगी। तो देखिए यहाँ पर sin 30 की वैल्यू तो पहले देख लेते हैं हम। sin 30 देखिए, ये रहा sin और 30, sin 30 के कॉरस्पॉन्डिंग 1/2 है, तो sin 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/2 होती है। ऐसे ही हमारे पास में cos 60 की वैल्यू देखिए, cos ये रहा और 60 ये रहा, cos 60 के कॉरस्पॉन्डिंग 1/2 है, तो cos 60 की वैल्यू भी हमारी आ गई है 1/2। अब हमें प्रोसेस करना है cosec 210 डिग्री के लिए। तो cosec 210 डिग्री के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। और देखिए 2 sin² 30 डिग्री मतलब 2 sin 30 का होल स्क्वायर हम कह सकते हैं। cosec 210 मतलब cosec 210 डिग्री का होल स्क्वायर हम कह सकते हैं। cos² 60 डिग्री मतलब cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब देखिए हम करते हैं cosec 210 डिग्री के लिए प्रोसेसिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि जो sin 180 प्लस थीटा होता है वो -sin θ के इक्विवेलेंट होता है। अब क्या आपको ये याद करना है, नहीं आपको याद नहीं करना है। आपको देखिए प्रीवियस जब हमने एक्सरसाइज 3.2 करी थी, तो वहां पर एक हमने ये पढ़ा था ASTC, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, क्लियर है। जिसके अंदर हमारे पास में ये ए मतलब होता है ऑल, एस मतलब होता है साइन और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, और टी मतलब होता है यहाँ पर टेन और टेन का अपोजिट होता है कॉट, और सी मतलब होता है यहाँ पर कॉस और यहाँ पर सेक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए ये cosec 210 डिग्री की बात कर रहा है, तो cosec 210 डिग्री को अगर हम तोड़ें तो cosec 180 प्लस 30 में तोड़ सकते हैं। cosec 210 डिग्री को हम अगर लिखें तो cosec 210 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cosec 210 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस कुछ लिख सकते हैं, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर cosec का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है। तो कॉसेक का अपोजिट अगर हमारे पास में साइन होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। तो पहले sin 210 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं, और हमें पता है sin 180 प्लस थीटा जो होता है वो -sin θ के इक्विवेलेंट होता है, क्लियर है। क्योंकि साइन की वैल्यू जो होती है 180 पे क्या होती है, हमारी जीरो होती है, रिपीट होती है। तो इसलिए हम sin 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू -sin θ। अब देखिए ये ऐसा क्यों होता है, sin 180 प्लस थीटा जो होता है वो -sin θ के इक्विवेलेंट होता है, ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो देखिए 180 डिग्री, अगर इस क्वाड्रेंट को देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, ये टोटल 180 डिग्री हो गया, क्लियर
क्लियर है बात। अब 180 डिग्री के, अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा, साइन 210 डिग्री जो है, कॉसेक 210 डिग्री के लिए करते हैं, तो साइन 210 डिग्री हम निकाल रहे हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर 210 डिग्री कहाँ पर आएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो 180 हो गया, तो 180 के बाद में बाकी रिमेनिंग जो रहा 30 डिग्री, तो वो यहीं पर आएगा, तो 210 डिग्री यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए हमारे पास में साइन 210 डिग्री, साइन थीटा जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा, हमारे पास में नेगेटिव होगा, इसलिए हम कहते हैं साइन 180 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। या फोर्थ क्वाड्रेंट में भी अगर आता तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारा साइन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, क्लियर है, क्योंकि कॉस और सेक यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसा कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन थीटा निकाल लेते हैं, साइन 210 डिग्री निकाल लेते हैं, तो साइन 210 को हम कह सकते हैं साइन 180 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 180 प्लस थीटा जो होता है, अभी मैंने आपको बताया था माइनस साइन थीटा होता है, तो हम लिख सकते हैं साइन माइनस साइन थीटा, यहाँ पर क्या है साइन 180 प्लस थीटा, थीटा क्या है हमारे पास में 30, तो साइन 30 डिग्री, क्लियर। तो माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, देखिए यहाँ पर साइन और 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर माइनस था तो -1/2 हो जाएगी हमारी माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू, क्लियर है। अब देखिए कॉसेक 210 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कॉसेक 210 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, हमारा रेसिप्रोकल होता है हमारा साइन 210 के, तो -1/2 अगर यहाँ पर निकली है तो वहां पर क्या हो जाएगी हमारी 2/-1, 2/-1 क्या होता है -2, तो -2 हमारी यहाँ पर कॉसेक 210 डिग्री की वैल्यू निकल जाएगी, क्लियर है बात। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखिए साइन 30 की वैल्यू अवेलेबल थी 1/2, तो पहले तो हम लिख लेते हैं ये 2 साइन 30 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक 210 डिग्री का होल स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर, ये हमने एज इट इज लिख लिया है। अब वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड क्या था, सिर्फ 4 कॉसेक 210 डिग्री की जो वैल्यू निकाली यही कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी सारा क्वेश्चन ईजी था हमारे पास में, डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट करनी थी सिंपल। तो यहाँ पर देखिए 2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लगा दिया, प्लस कॉसेक 210 डिग्री की वैल्यू अभी हमने निकाली -2, तो -2 और उसका होल स्क्वायर था तो हमने लिख लिया, इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 थी और उसका होल स्क्वायर तो हमने लिख लिया। अब देखिए 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1/4, तो हमने 1/4 लिख लिया, -2 का होल स्क्वायर होता है +4, और 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, और आगे हमारे पास में 2 था। अब देखिए 2 इंटू 1/4 करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा हमारा, 2 से हमारा रिड्यूस हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1/2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में 1/2, ऐसे हमारा 4 से 4 रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर ओनली 1 बचेगा, तो 1/2 + 1, 1/2 + 1 को अगर हम सॉल्व करें एलसीएम लेके तो हमारा क्या आ जाएगा 3/2, तो यहाँ पर देखिए आरएचएस में भी हमारे पास में अवेलेबल है 3/2, और हमने एलएचएस को सॉल्व करके क्या लेके आए हमारा 3/2, तो हम कह सकते हैं हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्विवेलेंट है, और एलएचएस अगर आरएचएस के आपके इक्विवेलेंट हो गया है तो हम कर सकते हैं प्रूव, हैंस प्रूव, क्लियर है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।